ऑप्शन वगैरह सारा कुछ। नहीं, मैं जो उनको लिंक मैंने सेंड किया, वो जब वो लिंक को ज्वाइन करेंगे उसके एडिटिंग हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। जी सर, बस ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू यार। कोई मसला नहीं ओके सर। स्टार्ट करते हैं, मैं कैमरा ऑन कर दूं अपना। ठीक है, कल की क्लास कैसी रही आपकी, समझ आई आपको? जी सर, सही थी। समझ आई सही सबको? हाँ जी सर। साथ यस सर। साथ की प्रोग्रेस कल अच्छी थी क्लास में। ओनली वन मैन जिसकी मुझे जिसने मुझे चेक करवाया है, मैं ये चीज बड़ी नोट करूंगा। मास्टर आपको भी पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा क्लास का, जी अगर सर। आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है। अच्छा तो वो आपको सुनना पड़ेगा मुझे, आपने हर क्लास में वर्क चेक करना अपना। आपको तो मैंने इस ऑनलाइन क्लासेस में एक काम शुरू कर दिया है, मैंने ये काम शुरू किया कि मैं एक लेक्चर देकर फिर अगले सेशन में बच्चों को ना साथ शेयर करवाता हूँ, ताकि बच्चे भी उसका पार्टिसिपेंट बने क्लास का। क्या ख्याल है? ठीक होगा सर। इस तरह ये होगा कि जो गलती शलती होगी, जो नहीं समझ आएगी, वो बंदा पूरी क्लास में शेयर कर लेगा। ठीक है ना? यस सर। अच्छा हमास, मैंने ना वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया अटेंडेंस लगाने का, आप अटेंडेंस लगा सकते हैं अपनी, लेकिन ये कि जो ना भी आए वो भी अटेंडेंस लगाए तो मैं उसकी एब्सेंट खुद करूँगा, डबल एब्सेंट करूँगा। बल्कि वो तो सर आपको पता लग जाएगा ना फिर। पार्टिसिपेंट होना ज़रूरी है, अगर आप पार्टिसिपेंट नहीं है तो मेरी क्लास में आप नहीं है, आपकी आईडिया होना है सिर्फ बस। अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे दे रहे हैं, आगे से बोल रहे हैं समझ, तो इसका मतलब इट्स मीन आप क्लास में। समझ आओगी आपको मेरी बात? यस सर। सर अलाउ नहीं हुआ अटेंडेंस का। मैंने लाओ क्यों, दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा हमास, लास्ट वाला टॉपिक हमारा जो था वो 13.6, जी उसमें सर। हमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया था। कैपलर फर्स्ट लॉ किया था हमने, जी सेकंड आज लॉ। का जो टॉपिक हमारा कैपलर सेकंड लॉ। ठीक है जी, तो जी सर। अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिएगा जरा। सर अटेंडेंस तो अलाउ कर दे। आराम से कर लेंगे, कौन सी जल्दी, अभी तो बड़ा टाइम है, ओके भागना सर, तो नहीं नो आपने इश्यू। कहीं? ओके नहीं सर, इधर ही है, ये किधर देखिए जाना जी, है। कैपलर सेकंड लॉ को देखें। वहां सेकंड लॉ हुआ था नहीं हुआ था? नहीं सेकंड नहीं था वह सर। फर्स्ट हुआ था सिर्फ। सिर्फ फर्स्ट हुआ था? यस सर। ओके ये देखें, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। अच्छा अब देखिएगा जरा, मैं आपको आज बताता हूँ कैसे करना है। कैपलर सेकंड लॉ को जो हम सॉल्व करेंगे, आपके माइंड में दो चीज होना चाहिए। एक आपने पिछले लेक्चर में ये कहा था, सी इज इक्वल टू आर क्रॉस आर डॉट, क्यों मास? यही बात हुई थी। यस सर। ओके अब सी इज इक्वल टू आर क्रॉस आर डॉट का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आर क्रॉस आर आर डॉट का क्या मतलब है साथ, कि आपने जो क्वीन थी आपकी आर एफ टी, उसका पहला डेरिवेटिव उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? आर डॉट का मतलब है वेलोसिटी। ओके अब आप ये देखें कि ये सारा आपने लिख दिया, लिखने के बाद आपने ये देखना है कि आर किसके ऊपर है। आर सिंपल आर, तो आर आपको पता होना चाहिए कि आर इक्वल है आर यू आर के इक्वल है। आर किसके इक्वल है जी? यू यू आर आर, के यू इक्वल। आर, हाँ ये इसके इक्वल हो गया क्रॉस। और आर डॉट किसके इक्वल है? तो आर डॉट आपने ऊपर प्रूव किया था, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, आपको समझ नहीं आ रही तो। आर डॉट यू आर प्लस क्या था जी? आर डॉट यू आर प्लस आर थीटा का डॉट यू थीटा, ऐसी है ना जनाब? जी चल, सर। सर अगर आपको कोई डाउट है मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, असल में आप पढ़ते चाहिए नहीं ना साथ सर। साथ, साथ साथ पढ़ते हो तो फिर आपको
मसला कोई ना हो। ये देखें हमास, ये क्या है बेसिकली, ये आर डॉट नहीं है हमास, ये देखो इसको मैंने क्लिक किया रहा है ब्लू कलर में जी सर, आर डॉट है, आर डॉट ही है। तो ये देखो ये किसके ऊपर, ये देखो ये किसके ऊपर है, आर डॉट यू आर प्लस आर यू थीटा डॉट यू थीटा, समझ आई बात की जी सर, ये इसके क्रॉस आएगा। इसी तरह सिंपल आर की आप बात करते हो तो सिंपल आर आपको पता है, इस ऊपर देख लो आप जाके, ये देखो मास सिंपल आर किसके बराबर है, आपने कहा था ना यू, आपने लिखा था आर यू आर, तो आप जब इसका इसका डेरिवेटिव लेते हो इस चीज का, किसका, यू आर का, UR ये का। तो ये किसके बराबर आता है एंड में, ये थीटा डॉट आर, ये आप ये आप ये आपने देखना है, खुद देखना है ये किसके इक्वल होता है, ये नहीं है अमास, ये देखो, ये देखो साध, ये जो चीज है ये बेसिकली ये क्या है जिसको मैंने ब्लू किया है, ये आर है, क्या है, आर है, तो आर इज इक्वल टू आर डॉट यू आर है, तब इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये चीज आ जाती है, ये हो रही, देखो ये क्लियर हुई है ये बात, ये सारी चीजें आपको साथ साथ क्लियर रखना पड़ेगी। मिर्जा नूर आए हुआ क्लास में, नहीं आए, नो सर, अच्छा जी कौन नहीं आया फिर क्लास में, और कौन नहीं आया, मिर्जा नूर भी नहीं आए, हाफिज तल आया हुआ सर, हाफिज तल आया, यस सर, फाद आया हुआ, फाद जो पिछली दो क्लासों में नहीं था, यस सर प्रेजेंट, आप ऑनलाइन भी नहीं आ रहे, लाइव भी नहीं आ रहे, आपका क्या सीन है यार, मुझे समझ नहीं आ रही, लाइव तो आप मेरी क्लास में फिर आते थे, ऑनलाइन आते नहीं आप सर, वो ये जो भी आपकी क्लास हुई है कल उसमें मैं नहीं आ सका तो मेरा इंटरनेट नहीं था, ये तो कोई बात नहीं ना, इंटरनेट नहीं था फिर आप देते हैं, जब लाइव आते हैं आप कहते हैं मेरे पास बाइक नहीं था, मेरे पास बाइक पंचर हो गया, फिर आप कहते हैं सर वो सर्दी है, अब आप लाइव में कह रहे हैं इंटरनेट नहीं है, क्या किया जाए दुनिया के, कैसे कैसे चीजों को सॉल्व किया जाए, नहीं ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि आप लोग किस तरह खुश हैं मुझे बता रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही मुझे सर, इंसान इंटरनेट के हाल में खुश नहीं, बाइक भी नहीं है, बड़े दूर से आते हैं आप, उम्र लड़का है उमर फारूक, एक सीनियर लड़का है, नो सर वो भी नहीं आया, वो भी नहीं, अवैस है, नहीं सर, देख लो यार उसके उसकी बात सुनो, वो कहता ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया, अब और तो नहीं है लेकिन इस बच्चे का मसला हल हो गया, ये जो नहीं था सबसे पहले ऑनलाइन हुआ था, ये क्या नाम है, बिलाल रियाज, देखो बिलाल रियाज को ये पता है सबसे पहले इसने ज्वाइन किया था, चलें खैर अब आपकी मर्जी, मैं क्या कहूँ आपको, नहीं क्या जरूरत आने की यार, पूछो क्यों लेट आया है, वो कहेगा ठंड बड़ी थी, पूछो बारिश हो रही थी भाई, ऑनलाइन भी आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लाइव भी आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं, क्या किया जाए, समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आ रही कोई इसका सलूशन, कह रहा था मैं बड़े दूर से आता हूँ, नहीं कौन सी जगह, और यहाँ पे इंटरनेट पे भी इसको आते हुए बड़ी आफत आती है, घर वालों को छोड़ के आते हुए, उनके पास बैठे क्लास लिया करो, सर ये मेहमान बैठे हुए थे तो क्लास लेने, छोड़ दो मेहमानों के पास चले जाओ, क्लास छोड़ दो, नहीं सर जी मैं आ गया, नहीं नहीं क्लास छोड़ दो, कोई बैठ गए थे तो क्लास तो वैसे ही होती रहती है, छोड़ दो क्लास, इधर देखें जी है भाई, तो इन 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 बातों से बड़ा ये मेरे सामने ये बात ना क्या करें, मेहमान आ गया तो नहीं है, इधर देखो ये आर यू आर क्रॉस आर डॉट यू आर आर थीटा डॉट यू थीटा, ये भाई आपको मैंने अभी प्रूव कराया, बताइए आपको मैंने बात कैसे होती है, अब मैं साथ में ये बात कर रहा था कि जब आप इसको इधर देखो साथ, ये जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करते हो, ये देखो फसाद मास, ये आर है ये आर डॉट है, आप इन दोनों को कॉमन ले लेते हो, क्या करते हो कॉमन, क्या करते हो भाई कॉमन ले लेते, अंदर जो रहता वो यू आर प्लस यू थीटा रहता, ये सुन लो गौर से, यू आर यू थीटा कॉमन रह जाता है, ये आपने करना है, ये आप करेंगे तो आपको समझ आएगी, खुद करना आपने, एक यू आर रहता और इधर से यू आर डॉट रहता है,
बिग क्रॉस आएगा, बिल्कुल क्रॉस आएगा ये। अच्छा ये सुन लो भाई, किसी का क्वेश्चन सुन लो बार बार, इस वाले टर्म को पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस आएगा, फिर इसी वाले टर्म को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस आएगा, होगा क्रॉस लेकिन बीच में प्लस आएगा, फिर आपने जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आर डॉट आर, ये बीच में आर इंटू आर डॉट, ये आपने कॉमन लिया तो आपका रह गया यू आर क्रॉस यू डॉट, फिर प्लस आएगा बीच में, प्लस आने के बाद क्या होगा जी, आपने क्या करना है, आपने इसमें आर इंटू आर थीटा डॉट इंटू इंटू क्या रहेगा आपके पास, यू आर क्रॉस क्रॉस थीटा यू थीटा, यू आर क्रॉस यू थीटा, ये इसके इक्वल रह जाएगा। अच्छा अब बात सुने, अब आप डीएलडी पढ़ते आ रहे हैं, अब आपने सारा कुछ पढ़ लिया है मास, आपको पता ना ये जो आपको नजर आ रहा है क्या, ये देखो इधर देखो व्हाइट बोर्ड को देखो जरा, यस सर, इधर मैं आपको ये आप पढ़ते आ रहे हो यू, इसको छोड़ बल्कि आप ये पढ़ते आ रहे हो एक्स क्रॉस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट है जी, इसका मतलब है एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट जीरो, इसका मतलब है ये टर्म जो है नीचे वाली कौन सी बड़ा, ये कैमरा नजर आ रहा है नीचे, ये यू आर क्रॉस यू डॉट ये क्या हो जाती है जीरो, ऐसी है ना जनाब। Yes, sir. और अब भी आपको मैंने कल आपको जो मैं फॉर्मूले सिखाता रहा हूं कि यू क्रॉस यू थीटा इक्वल टू के, यू क्रॉस यू आर क्रॉस के इज इक्वल टू यू थीटा, फिर मैं कहता था यू थीटा क्रॉस के इज इक्वल टू यू आर, याद आई समझ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली टर्म के किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी ना। अब आपको ये नजर आ रहा होगा नीचे, मैं आपको और थोड़ा सा ये देखें नीचे, यहाँ पर ये तो जीरो हो गया, ये यहाँ क्या रह गया मरियम, यहाँ क्या रह गया r इंटू आर थीटा डॉट इंटू के, ये क्या चीज आ गई बेसिकली c, क्या आ गई जी c, ये जनाब आपके पास c आ गई है जी, ये c की वैल्यू है। अच्छा अब आप इसमें अगर लिमिट्स पुट करें जिसको आप कहते हैं सेटिंग t इक्वल टू जीरो शो डैट, तो आपने ये याद रखना है कि t इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे ना तो आपने ये याद रखना है, इसके साथ आपने के, इसके साथ आपने के था ना, तो आपने t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ना जब अमास, तो ये r नॉट हो जाएगा ना, r नॉट हो जाएगा, और ये जो चीज है r डॉट थीटा नॉट ये होता है v के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी, r नॉट v नॉट k, ये भी c का फार्मूला है, ये भी किसका फार्मूला है, c का फार्मूला जी, c के दो फार्मूले हैं जी, एक है r इंटू r थीटा नॉट, दूसरा क्या है जी, c इज इक्वल टू आर नॉट वी नॉट के, भाई ये फॉर्मूले हैं, कोई मुश्किल है भाई इसके अंदर, नो सर नहीं है ना, बाकी ये देख लेगा। अगला जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं जी केपलर थर्ड लॉ, क्या कहते हैं जी, केपलर थर्ड लॉ हाँ जी, केपलर थर्ड लॉ क्या चीज है, देखें इसको हम कहते हैं टाइम डिस्टेंस लॉ, क्या कहते हैं जी, टाइम डिस्टेंस लॉ, ये नोट किया करें, हमदा नूर आए क्लास में अभी तक, यानी आए, यानी उनका मूड नहीं है साहब पढ़ने का, नहीं सर, ये लेडीज सारी क्लास में मौजूद है, मरियम शहजादी नहीं आई है, मरियम नहीं आई क्लास में आज, यही पे हो, अच्छा, और वो मानूर है, क्या नाम है, मानूर आई हुई क्लास में, मानूर भी नहीं है क्लास में, ठीक हो गया, फतिया, यस सर, अच्छा, किरण अख्तर, यस सर प्रेजेंट, ठीक हो गया, बस यही थी मेरा ख्याल लेडीज जी सर, सिर्फ मानूर और रमजान नहीं है, अच्छा चलें अल्लाह पाक सेहत दे उनको, इधर आएं जी, आमीन, ये क्या है जी केपलर, केपलर नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड, जी सर आ रहा है, केपलर क्या लिखा है, केपलर थर्ड लॉ इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको जी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस लॉ कहते हैं इसको,
क्या कहते हैं इसको? टाइम डिस्टेंस लॉ. अच्छा जी, इसको हम ये कहते हैं द टाइम टी इज टेक अ प्लेनेट टू गो अराउंड इट्स सम वन इज अ प्लेनेट ऑर्बिटल पीरियड. कैपलर थर्ड लॉ सेड दैट टी एंड ऑर्बिट सेमी मेजर्स एक्सिस ए एंड रिलेटेड बाय द इक्वेशन. अच्छा, इसकी इक्वेशन ये है, ये आपने याद रखनी है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब, है जी, डिवाइड बाय ए क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम. अब देखें हमास, इसके अंदर आपको ए जो है ना, ए वो तो आप फाइंड कर लेंगे कैसे क्या है. अगर आपको yes. साथ अगर आपको आर दिया हो तो आपने क्या करना है इसमें, सिंपल इसने आपने 3 डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेना जी, वो ए आ जाएगा. yes, फिर जो भी आएगा उसका क्यूब ले लेना आपने. पाई की वैल्यू आपको ये वैसे ही पता, 3.14 होती है. क्या होती है जी? 3.14 होती है. और ये इसकी मैंने आपको कल लिखवाई थी, 6. याद है ना, 6.67251010 कल लिखवाई थी, 11 नैनोमीटर. याद है? यस सर. और मास की भी आपको मैंने कल लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी कल? 1.99 × 10^30. 10^30. ये सारी वैल्यू आ गई जब, तो मास क्या करेंगे आप इसमें, टी स्क्वायर यहीं रखेंगे, ए क्यूब के इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जीएम हो जाएगा. ऐसे है ना मास? yes, और sir. ये जो स्क्वायर है इधर टेकिंग रूट ले लेंगे बोथ साइड. क्या ख्याल है? तो टी इज इक्वल टू सिंपल आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए क्यूब 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जीएम. क्यों भाई, ये बात समझ आइए सबको? जी सर. कैपलर थर्ड लॉ हो गया जी. मास हो गया कैपलर थर्ड लॉ? यस सर, हो गया. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं ये कहूं कि मुझे उस क्वेश्चन से कैपलर फर्स्ट लॉ फाइंड द कैपलर फर्स्ट लॉ, या मैं ये कह दूं टाइम डिस्टेंस लॉ फाइंड द टाइम डिस्टेंस लॉ, तो आपके माइंड में ये फार्मूला होना चाहिए कैपलर थर्ड लॉ का. अगर मैं ये कह दूं फाइंड द कैपलर सेकंड लॉ, तो आपके माइंड में फार्मूला होना चाहिए. और मैं आपको सारी चीजें गिवन दूंगा, वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी सर. समझ आइए आपको? जी सर. यस सर. तो अब ये हो गया जी चैप्टर नंबर 13 आपका. क्या हो गया? चैप्टर नंबर 13. इसके अंदर किसी को कोई चीज समझ आई तो पूछ सकता है. अच्छा मास, ये 13.6 नजर आ रही है आपको? जी सर. जो कल साथ ने क्वेश्चन किया था इसमें से यू आर एंड यू थीटा, ये आपने करना है जी, इसी तरह क्वेश्चन करना है. अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 9 से देखा ना, ये कैप्टन थर्ड लॉ से आपने ड्राइव करना है. अब क्वेश्चन नंबर 10 में नजर आ रहा होगा आपको मास. यस सर. क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. उसमें कैपलर थर्ड लॉ पूछ रहा है और आपको पीरियड दे रहा है, टाइम भी दे रहा है, टी दे रहा है मास. ये टी नहीं है, ये देखो मास, ये टी दे रहा है और इसमें तुमने ए फाइंड करना है. हमने आगे बात की जी सर. देखो ना साध, इसमें 4 भी है, पाई भी पता है, जी भी पता है, एम भी पता है. सिर्फ आपको टी भी गिवन दे दी उसने, 3.6 इतने डेज पर आपको उसने एक्सेलरेशन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसने क्वेश्चन आपके क्विज में. हमने यही बात की. ठीक है सर. ओके सर. ये चीजें आपने माइंड में रखनी है. उसके बाद ही ये था जी चैप्टर 13, जो आपने बड़े गौर और फिक्र से इसको पढ़ा, बड़ी मेहनत की आपने इसके ऊपर जी. ये आपने भूलना नहीं है. ये नीचे जब आएंगे ना, पूरी एक्सरसाइज जो लिखी हुई है ये मैं नीचे कर रहा हूँ, 7 पेज 762. दानियाल इसके अंदर पूरी चीजें रिपीट कर रहा है. वो किरण पूरी चीजें रिपीट कर रहा है, पूरी एक्सरसाइजें रिपीट कर रहा है. वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन इस तरह होता है, ये क्वेश्चन इस तरह होता है. एडिशन एक्सरसाइज के अंदर बता रहा है कैपिटल इक्वेशन क्या होती हैं, पूरी चीजें आपको बता रहा है. ये आप अगर इसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज कहते हैं, अगर ये आप कर लेना, आपकी जो पिछले आपने 6 एक्सरसाइजें की हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके सर. कोई नहीं है मरियम, समझ आ गई आपको? क्या समझ आई आपको? यही जो आपने समझाया अभी.
क्या समझाया मैंने? मैंने क्या समझाया जल्दी बोलने जरा सर। ये कैप्रेस थर्ड क्लास से समझाया, वो ही बता रही हूँ, समझ आ गया। और क्या बताया मैंने? और भी कुछ बताया? आप क्लास में नहीं थी, मैंने इसलिए पूछा है। सर मैं क्लास में ही हूँ, सुन रही हूँ। मैंने और क्या बात की है सर? आपने ये 13 चैप्टर का बताया कि जो कल साहब ने क्वेश्चंस किए थे। अच्छा फिर सर उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला ना? उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला सर? याद नहीं बेटा, मैं ना ऑनलाइन ही बैठ कर आपको समझ सकता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट होते हैं मैं उनको बड़ा ग्रिप करता हूँ। ये आप अपने माइंड में रखें कि आप सोच रहे कि ऑनलाइन है, सर को क्या पता है? सबको सब कुछ पता होता है, इसलिए फोकस करें अपनी क्लास पे, ठीक है ना? क्लास में फोकस करें। मैं एक बात पूछूंगा आपसे, कोई भी बंदा यहाँ क्लास में बैठा है उससे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? यस सर। इट्स मीन अगर वो प्रेजेंट हुआ मुझे मेरी बात बताएगा, नहीं प्रेजेंट होगा वो कहेगा सर पता नहीं आपने क्या बात की। यस सर। चैप्टर जी ये मैं जो करता हूँ ना, बात करता हूँ, मास मास कर रहता हूँ या मैं किसी का नाम ले रहता हूँ, तो ये मुझे इजिली वही लगता है। मुझे पता है वो इस वक्त पूरा प्रेजेंट है क्लास में। बाकी मैं अगर किसी से बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो म्यूट करके सो जाए क्लास में। उसका मतलब वो सुने मेरी बात, मैं किसी को बुला सकता हूँ। नहीं सर, हम सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, चैप्टर नंबर 14 कर रहा हूँ मैं जी, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ। क्या नाम है इसका? पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ जी। अच्छा जी, पार्शियल डेरिवेटिव में और सिंपल डेरिवेटिव में फर्क क्या है? मेरा सवाल ये था आपसे। सर पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव में फर्क क्या है? लेट्स सपोज इधर देखें जरा, y इज इक्वल टू, देखें जरा और से देखिएगा, y इज इक्वल टू, या ये समझ लें f ऑफ x कमा y इज इक्वल टू x डॉट y। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल डेरिवेटिव में मास क्या आएगा? नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड आपको? जैसे नजर आ रहा है तो सिंपल डेरिवेटिव इसका यही होगा ना, एफ का प्राइम हो जाएगा। एक्स को छोड़ा वाई का डेरिवेटिव लिया तो वो प्राइम हो गया, प्राइम हो गया। वाई को छोड़ा तो एक्स का लिया तो एक्स का वन हो गया। क्यों मास यही होता है? अब मैं पार्शियल की बात करूंगा, पार्शियल की जब मैं बात करूंगा, थोड़ा कैमरा नीचे करूंगा, ये देखें, तो इसको ऐसे करूंगा, पार्शियल होता है अल्फा से नोट, ऐसे पार्शियल ऑफ एफ डिवाइडेड पार्शियल ऑफ एक्स। क्यों भाई ऐसे ही होता ना? यस सर। अब इसमें जो y होता है ना, y उसको लेंगे हम कांस्टेंट, और x का हम पार्शियल फाइंड करेंगे। ऐसे होता कि नहीं होता? इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं लगता। मैं आपको ये समझा रहा था, आ रहा था कि फर्क क्या है। फर्क ये है, ये देखें, इसका इसका ये वन हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ y। सिर्फ क्या आएगा? y। मां समझ आई बात? ये मरियम किरण अवेश फाद। तो ये सब बंदा क्लास में मौजूद है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, समझ तो वो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ समझ आई आपको? जी सर। आयजा इकबाल समझ आई सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में? जी सर आ गई है। ओके अच्छा, अब ये बात नोट करें, बेसिकली फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आप लोगों को कैलकुलस मैंने पढ़ाई थी? जी सर। यस सर। मास हमें आपने पढ़ाई थी? यस सर आपने पढ़ाई थी। ओके फिर तो इजी हो गया, फिर तो मैंने एक चीज समझानी है आपको। ओके यस सर। अब पार्शियल डेरिवेटिव में पहला जो पॉइंट है जी 14.1, उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल हों तो फिर क्या होता है इसमें, वो हम देखते हैं जी। सेवरल वेरिएबल का मतलब ये है मास, ये देखो तुम्हें ये नजर आ रहा है w इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन, ये तमाम की तमाम जो x होते हैं ये इनपुट होते हैं और y जो होती है आउटपुट होती है, ऐसे ना जनाब? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। साथ क्या ख्याल है? जो हमारे पास डिपेंडेंट जो होता है ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है? डिवाइड होता है, ऐसे ही है जी बिल्कुल। अच्छा उसके बाद आप जब आगे चलते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ए डोमेन एंड रेंज। साथ बड़ा आम टॉपिक है ये। पहले मैं आपको एक चीज सिंपल पर समझाऊंगा कि डोमेन रेंज फाइंड कैसे करते हैं। ये देखें
थोड़ा सा रिवाइज करूंगा मास, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करूंगा ताकि आप थोड़ा सा ना आपको पता लगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा साथ मुझे बताओ इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? डोमेन फाइंड करने के लिए कौन सी तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? इनफिनिटी में नहीं जाना चाहिए. बिल्कुल जी, तीन पॉइंट है जी. पहला पॉइंट क्या है कि कभी भी ये इनफिनाइट मास, इसको कहते हैं इनफिनाइट नंबर, वो नंबर जो डिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड नंबर कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? अनडिफाइंड नंबर. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है जी? साथ जीरो से डिवाइड ना हो. क्या ना हो? जीरो से डिवाइड, जीरो से डिवाइड ना हो. वो तो इनफिनाइट हो गया ना, वो अनडिफाइंड होगा. अनडिफाइंड कहते हैं इन्फिनिटी को. ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए. और माइनस में ना हो. हाँ, अंडर रूट माइनस में ना हो. जब अंडर रूट माइनस में आता क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए जी. ये चीज हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं. तीसरा पॉइंट क्या है साथ? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा. ये अंडर रूट में माइनस वन आए तो आयोटा बनता है. साथ तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा नहीं पता. तीसरा पॉइंट है ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, जीरो बाय जीरो, इसको कहते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म. क्या कहते हैं? अनडिटरमाइंड फॉर्म. वो फॉर्म, वो फॉर्म जो डिटरमाइंड ना हो. क्या हो मास? वो फॉर्म जो डिटरमाइंड ना हो. हाँ, डिटरमाइंड कहते हैं ना आपके तो डिटरमाइंड दिस क्वेश्चन. तो डिटरमाइंड का मतलब होता है कि ये चीज सॉल्व करो. अनडिटरमाइंड का मतलब होता है ये चीज सॉल्व ही नहीं होती. जीरो बाय जीरो, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है. ये तीन पॉइंट समझ आ गए मरियम? यस सर. इन तीनों पॉइंट का मतलब ये है कि डोमेन के अंदर ये तीन पॉइंट नहीं होना चाहिए. इन तीनों से आपने बचना है. इन तीनों से आपने अपने आप को सेव रखना है. तो सेव रखने के लिए आपको ये तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा. अच्छा, अच्छा ये तीन पॉइंट तब आते हैं मरियम जब इसके अंदर एक तो अंडर रूट हो. क्या हो? साथ अंडर रूट के अंदर वैल्यू आए. अच्छा, साथ मेरा एक सवाल आपसे. आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपको मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस, हाँ जी, टू एक्स लिख दिया. साथ मुझे ये बताओ इसमें डोमेन फाइंड करने का कोई मसला है? ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी डोमेन क्या होगी साथ? इसमें कोई मसला नहीं आएगा. कोई मसला नहीं है इसमें. डोमेन है, डोमेन पता क्या है इसकी? इसकी डोमेन है आर रियल नंबर. आर रियल नंबर. साथ रियल नंबर क्या होते हैं? माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक ये तमाम रियल नंबर होते हैं. ऐसी है ना? यस सर. इसमें डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी? आर रियल नंबर. रेंज भी इसकी यही होगी. डोमेन हम मास दो चीजों की पॉइंट करते हैं. मास, यस सर. डोमेन हम दो चीजों की फाइंड करते हैं. एक तो जो रूट के अंदर आता है या अंडर रूट के अंदर. साथ दूसरी क्या चीज है? दूसरी क्या चीज है? दूसरी जो डिवीन में हो. ऐसे है ना साथ? जो फ्रैक्शन में हो. बिल्कुल, इनकी डोमेन फाइंड करते हैं. अच्छा, मास जो डिवीन में होता है ना, डिवीन में, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि साथ ने जैसे भी बात की वन ओवर जीरो, ये वन ओवर जीरो बनता है. इसको हमने नहीं बनने देना, हमने इस चीज से रोकना है. और जो रूट के अंदर होता है उसके अंदर क्या नंबर आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आता है. उसके अंदर क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स. क्या ख्याल है साथ? समझ आई आपको इस बात की? यस सर. किरण समझ आई आपको? किरण नहीं. यस सर. अच्छा, समझ आई जी आपको? फात, शाहरुख खान, अवैस. ओके, अब ये चीजें मैंने आपको जो समझाई हैं ये बड़ी कमाल की चीजें और ये बड़ी अहम चीजें जो मैंने आपको रिवाइज कराई है उसके लिहाज से, क्या कहते हैं इसको, कैलकुलस के लिहाज से. अब हम चलेंगे टॉपिक की तरफ. ये तीन चीजें आपको माइंड में आ गई ना, अब हम आगे चल रहे हैं. बस ये चीजें आपको मैंने बतानी थी कि आपने इन चीजों का देख कर आपने चीजों को सॉल्व आउट करना. अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, z इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस एक्स स्क्वायर. साथ इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन क्या होगी? खुद सोचो, खुद से सोचो. हम डोमेन कैसे फाइंड करते थे? अरे इसमें देखना ये होगा कि हर वो नंबर आना चाहिए जो इसे अंडर रूट माइनस वन जनरेट ना होने दे. हाँ, वेरी गुड.
तो साथ उसके लिए हम कौन सा तरीका अप्लाई करते थे क्लास में कैलकुलस के अंदर, हम क्या देखते थे मास? दानियाल इसके लिए हम क्या करते थे? जी सर। इसके लिए हम क्या करते थे क्लास में? इसमें क्या करते थे ये देखो, साथ आपके माइंड में बात है, आप बोल थोड़ा भूल रहे हैं, ये देखें हम यूं करते थे हमास y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, याद है? याद है? Yes. Yes, sir. और हम ये कहते थे y is equal to x square. असल में ये चीज इस तरह थी, 1 minus x square, ये अंडर रूट के अंदर आता था, 1 minus x square. अब इधर y आ गया, यानी कि तीन वेरिएबल आ गया साथ, y, x, z. और इसको हम कैसे करते थे? 1 is equal to x square. क्या ख्याल है साथ? और इसको फिर हम सॉल्व करते थे, x is equal to plus minus 1. याद आया कुछ? x is equal to plus minus 1. अब मास बात ये है, यहाँ पर आप देख रहे हो y is equal to x square. मास इसका मतलब है कि तुम अगर y को 1 पुट करते हो, सुनो और से, y को क्या पुट करते हो? 1. x को भी तुम 1 पुट करते हो, साथ क्या हो जाता है? ये देखो, y को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, पहले दफा क्या हुआ? 0. पहले दफा क्या हो गया? 0. कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. लेकिन साथ जब तुम कहते हो y को 2 पुट करो और सर x को भी 2 पुट करो, ये देखो y को 2 पुट कर दिया, x को भी 2 पुट कर दिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, इसको अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट में क्या आएगा? -2. ऐसी है ना, इसका मतलब है हमने एक जेनेटिक एक टेक्निकल चीज सोचनी है, वो ये है जो इसने बुक में लिखी है कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ये इसकी डोमेन है. साथ कि अगर तुम y को 4 रखते हो ना, y को 4 रखते हो तो x स्क्वायर को तुम 2 रखते हो तो ये भी 4 हो जाती है. खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर y को 5 रखते हो तो x को तुम 2 रखते हो तो ये 4 होता है. इसका मतलब है तुम्हारा y ग्रेटर होना चाहिए किससे? x से. अब देखो साथ तुम कहते हो सर यहाँ पर ना, यहाँ पर आप y को 7 पुट कर दें और x को 2 पुट कर दें, ये 4 हो गया, तो तुम्हारा आंसर रियलेबल है, रिलायबल है, गुड है. अगर तुम कहते हो सर y को आप 8 पुट कर दें और x को ना सर 3 पुट कर दें, नहीं कर सकते क्योंकि 9 हो जाता है, 2 पुट कर दें, हाँ 2 पुट करो तो 4 हो जाता है, ये रिलायबल है, अंडर रूट 5. इसलिए हमने कहा है कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है साथ. अब लेट्स सपोज तुमने इसके अंदर तुमने अभी वैल्यू पुट की, तुमने 2 भी पुट किया, तुमने 1 भी पुट किया, तुमने सब कुछ पुट किया, लेकिन तुम्हारे पास आंसर किस तरह के हैं? ये देखो तुम्हारे पास आंसर दो तरह के हैं, एक जीरो भी आया है, ऐसी है ना? Yes, जीरो आया ना, तो इसका मतलब जीरो जीरो माइनस में कोई आंसर नहीं आ सकता. क्यों मरियम? माइनस में आंसर, माइनस में आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर कोई माइनस आंसर आ ही नहीं सकता, माइनस में आंसर नहीं है. बिल्कुल, तो इसका मतलब हम जीरो पे क्लोज करेंगे रेंज को, जीरो पे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे. और आगे आंसर जो ना पॉजिटिव आंसर आएगा, कहां तक? इनफिनिटी तक, हमें नहीं पता. इनफिनिटी तक, इनफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में, किसमें होती है? ओपन ब्रैकेट में. इसको कहते हैं फाद शाहरुख, इसको कहते हैं रेंज. क्या कहते हैं इसको? रेंज. जो आपके पास जब आप x को पुट करते हो या y दोनों को पुट करते हो तो आपके पास जो z है वो आउटपुट है, तो आपके पास आउटपुट ये आएगी, और आपके पास जो इनपुट है जिसको आप डोमेन कहते हो वो ये है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x स्क्वायर. समझ आई बात की? यस सर. जी सर. यस सर. गुड. अब साथ इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, z इज इक्वल टू 1 ओवर x y, मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या हो सकती है? सोच के बताओ. मास तुम भी सोचो, तुम भी सोचो, मरियम, किरण आप भी सोचें, मुझे रिप्लाई करें. जी ये सीनियर लड़का क्या नाम है जो सबसे पहले ज्वाइन जिसने किया है, ये भी मुझे बताया जी इसकी डोमेन क्या हो सकती है. सर ये फ्रैक्शन में आ गया ना वैल्यू, जीरो के अलावा सारा कुछ हो सकता है. जीरो के अलावा ये होती है, ये देखना, ये मरियम ये बात सुनी आपने इनकी, कमाल की बात की है कि x is not equal to 0 and y is not equal to 0, ये आप नहीं पुट कर सकते. अगर ये आप पुट करते हैं तो क्या बन जाता है? ये 1. अगर लेट्स सपोज मरियम आप कहती हो नहीं सर x को आप 0 पुट कर दो और y को ना आप 1 पुट कर दो, तो ये देखो मरियम ये 0.1 क्या होता है? 1 ओवर 0 होता है. 1 ओवर 0 क्या होता है? इनफिनिटी. हमने यही तो पढ़ा था कि हमने इनफिनिटी नहीं बनाना है, इसको तीन पॉइंट हमने पढ़े थे. समझ आई? तो इसका मतलब है फ्रैक्शन. बिल्कुल, इसका मतलब डोमेन आपने जो बताई मास, वो क्या बताई?
कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ पुट कर सकते हो, ऐसी है ना मास? यस सर, यस सर। शाहरुख मुझे ये बताओ, ये फारुख फारुख रेंज क्या आएगी जब तुमने जीरो नहीं पुट करना बाकी सारे नंबर पुट करने हैं, तो रेंज क्या आएगी? अरे मैं बाहर दरवाजे पे क्या हुआ था अभी आया हूं। इनफिनिटी फाद, ये मेरी क्लास है, मैं क्लास है ना बड़े अमल से पढ़ाता हूं, इसलिए दरवाजे पे ना जाया करो, जब क्लास लिया करो मेरे साथ। घर पे बंदा क्या नहीं था, डोर पे कोई ऐसे दरवाजे खोलने गया था। कोई बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अवेश क्या कहते हो कि तुमने कहा जी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? रेंज कहते हैं आउटपुट को, आउटपुट क्या आ सकती है अवेश इसकी? जीरो छोड़ के सारा कुछ आ सकती है। इनफिनिटी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, जीरो आ सकती है। देखो ना मास, अगर हम टू पुट करते हैं, दोनों को टू टू पुट करते हैं, टू डॉट टू, तो ये आता है वन, वन और फोर, तो वन और फोर जो होती है अवेश वो जीरो नहीं आती, आप सही कह रहे हो, जीरो नहीं आती, जीरो पॉइंट समथिंग आती है, क्या आती है? जीरो पॉइंट सेवन। तो इसका मतलब है जीरो जो है वो क्या होगी? ओपन ब्रैकेट होगी, क्या होगी? जीरो इंक्लूड नहीं है अवेश, जीरो जब मैंने ये लिखा ना ये ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब है जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो नॉट इंक्लूड, इसमें जीरो इंक्लूड नॉट इंक्लूड, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूड, ओपन ब्रैकेट का मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जीरो से आगे जो वैल्यू है 0.1 0.2 0.3 अप टू कहां तक अवेश, कहां तक इसका आंसर आ सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, इनफिनिटी तक। अमास एक तो ये बात की इसने, ये पॉजिटिव की बात की, मुझे ये बताओ नेगेटिव इसके अंदर हो सकता है क्यों? अगर तुम लेट्स सपोज मास ये देखो, अगर तुम -2 और -2 पुट करते हो तो ये आता है -0.71, क्या ख्याल है? यस सर। तो इसका मतलब है जीरो से लेकर आगे माइनस इनफिनिटी तक, और इनफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में होती है, ये इसकी रेंज है। फाद इसके अंदर आपको समझ नहीं तो पूछ सकते हो मुझसे, ये रेंज है। सर ये तो रिवाइज हो गया ना? बिल्कुल, ये जो लड़का है ये सीनियर लड़का, क्या नाम है इसका, ये बोलता ही नहीं है, फतिया, ये क्या नाम है इसका, ये आफसला, आफसला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा क्लास में, सीवर अमान भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बिलाल रियाज आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं शुरू से बोल रहा हूँ, साथ बोल गया, मैं बताता हूँ। बस ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया, क्यों मां सही समझ आई है? बेहतरीन ये नहीं, गुजारा हुआ है सर, ठीक आ गया यार, मैं पहले ही समझाया हुआ है, मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूं, बीच में कोई सीनियर बच्चे भी, इनको शायद नहीं होगा पता। जी सर। मरियम समझ आई है? जी जी सर आ गया। किरण नहीं बोल रही जाके से, अच्छा मास एक तो ये ए वाला पार्ट था ना, बी ये है अपना साथ, कि डब्ल्यू इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है साथ, इसके अंदर कई वेरिएबल आ सकते हैं, जैसे आपने ऊपर नहीं पढ़ा था सेवर वेरिएबल, मास ऊपर आपने पढ़ा था ना सेवर वेरिएबल, जी सर, उसका ये मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो ना एक दो, फिर इसके बाद तीसरा जेड स्क्वायर है जी, समझ आई बात की? जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ साथ, इसकी इसकी डोमेन क्या हो सकती है? इसकी डोमेन में सब कुछ आ सकता है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो माइनस भी जो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मरियम इधर देखो, ये कहता है सब कुछ आ सकता है, तुम कहती हो सर इधर जीरो पुट कर लो, y में सर -1 पुट कर लें, और इधर -3 पुट कर लें। मरियम देखना अभी, ये जीरो हो गया, ये +1 हो गया, ये देखो +1 हो गया, ये +9 हो गया, तो ये अंडर रूट 10 आ गया। इट्स इट्स कम एंटायर एंटायर वैल्यू, एवरी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, एंटायर वैल्यू, तो आप इसमें कह सकते हो कि भाई इसमें r रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हो साथ? r रियल नंबर, ये इसकी डोमेन है। अच्छा साथ में ये बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी मरियम? आप जब कुछ भी पुट कर सकते हैं, देखो ना मरियम ये देखो, अगर आप सारे जीरो पुट कर लेते हो, सारे सारे जीरो पुट कर लेते हो, आंसर